आजकल टाइम कैप्सूल या काल पात्र काफी सुर्खियों में रहा है। आज के टुडेज एग्जामिनेशन पॉइंट में हम टाइम कैप्सूल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। टाइम कैप्सूल शब्द का प्रयोग वैसे तो 20वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था, लेकिन वास्तविक रूप में इसका उदाहरण 1777 में देखने को मिला। इस कालपात्र को दिसंबर 2017 में पुनर्बहाली कार्य के दौरान स्पेन के एक चर्च से प्राप्त किया गया। टाइम कैप्सूल का विधिवत प्रयोग 1876 से माना जाता है। इस वक्त न्यूयॉर्क पत्रिका के प्रकाशक ने फिलाडेल्फिया में सेंचुरी सेफ नाम से एक टाइम कैप्सूल को भूमिगत कराया था। टाइम कैप्सूल या कालपात्र किसी भी आकार या प्रकार का एक कंटेनर होता है। इस कालपात्र में वर्तमान समय के दस्तावेज, फोटोज, कलाकृतियां व वर्तमान समय की जानकारी देने वाले स्रोतों को आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे भूमिगत किया जाता है। भूमिगत करने में गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता दबाव एक चुनौती होता है, साथ ही साथ लंबी समयावधि के बाद भी कैप्सूल में रखी गई सामग्री का क्षय न हो इस बात का भी ख्याल रखा जाता है। इस कालपात्र के निर्माण में एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील जैसी सामग्री और अम्लता रहित टेपरों का प्रयोग किया जाता है। दुनिया में टाइम कैप्सूल की संख्या का अनुमान लगाने वाली संस्था इंटरनेशनल टाइम कैप्सूल सोसाइटी यानी ITCS के एक अनुमान के मुताबिक विश्व में अभी भी 10,000 से 15,000 टाइम कैप्सूल हैं। भारत में साल 1972 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिल्ली के लाल किले के बाहर टाइम कैप्सूल को भूमिगत कराया था। बाद में जनता पार्टी की सरकार ने इसे खोद कर निकाल लिया। इसके अलावा 6 मार्च 2010 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने IIT कानपुर के कैंपस में संस्थान का नक्शा, वार्षिक रिपोर्ट, हॉस्टल मेस का मेनू जैसी सामग्रियों को रखकर टाइम कैप्सूल को भूमिगत किया था। इसी तरह मुंबई के एक स्कूल में, जालंधर के लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी, गांधीनगर के महात्मा मंदिर आदि में भी टाइम कैप्सूल भूमिगत किया गया है। वर्तमान में किया जाने वाला यह कार्य आने वाली पीढ़ियों के साथ संचार स्थापित करने, पुरातत्वविदों, इतिहासकारों आदि को अतीत की मानव सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में काफी सहायता करता है। टाइम कैप्सूल को भूमिगत करने को लेकर काफी विवाद भी रहा है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह अनिवार्य रूप से एक व्यक्तिपरक अभ्यास है और आज इसे महिमामंडन के तौर पर पेश किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि टाइम कैप्सूल में उस समय के लोगों के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल ही जाए। कभी कभी टाइम कैप्सूल में पर्याप्त जानकारी का अभाव होता है। ऐसे में सही मायने में देखा जाए तो इतिहास को दर्शाने का यह एक मान्य तरीका नहीं है, क्योंकि टाइम कैप्सूल में जो दस्तावेज रखा जाता है उनका प्रमाणन नहीं किया जाता है। ऐसे में अगर वास्तव में आने वाली पीढ़ी को वर्तमान के इतिहास को सही मायने में बताना है तो उसमें रखे जाने वाले दस्तावेजों को सत्यापित करना चाहिए। आज के टुडेज एग्जामिनेशन पॉइंट में बस इतना ही। अपनी बेहतर तैयारी के लिए आप देखते रहें टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट।